प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक संपन्न का देश भर में लगाए जाएंगे 1500 से अधिक ऑक्सीजन प्लांट। मॉस्को के बाद जॉर्जिया की यात्रा पर जाएंगे एस जयशंकर, स्वतंत्र जॉर्जिया पर किसी भारतीय विदेश मंत्री की पहली यात्रा। कोरोना के लैम्डा म्यूटेंट से रहना होगा सतर्क, कई देशों में मचा रहा है कहर, सरकार ने सावधानी बरतने पर दिया जोर। 4.3 तीव्रता से भूकंप से हिली मेघालय की धरती, तुरा से करीब 53 किलोमीटर दूर रहा केंद्र। कर्नाटक के नए राज्यपाल होंगे थावरचंद गहलोत, 11 जुलाई को लेंगे शपथ। नमस्कार, मध्य प्रदेश के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। शुरुआत करते हैं खबरों की। कोरोना संक्रमण सिर्फ हमारे फेफड़ों को संक्रमित नहीं कर रहा है बल्कि शरीर के कई महत्वपूर्ण अंगों को भी भारी नुकसान पहुंचा रहा है। किडनी, लीवर, पैनक्रियाज, ब्रेन और हार्ट पर भी इसका बुरा असर देखने को मिला है। भोपाल एम्स की स्टडी में इसका खुलासा हुआ है। देश में पहली बार मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल एम्स में हुए कोविड शवों के पोस्टमार्टम में जो रिपोर्ट सामने आई है वो हैरान करने और चिंता में डालने वाली है। भोपाल एम्स में 21 कोविड शवों की एटॉप्सी के बाद खुलासा हुआ है कि कोरोना वायरस से सिर्फ फेफड़े ही नहीं बल्कि किडनी, ब्रेन, पैनक्रियाज, लीवर और हार्ट अटैक की समस्या भी आई है। भोपाल एम्स की स्टडी से इस बात का भी खुलासा हुआ है कि मौत के 20 घंटे बाद तक कोविड-19 वायरस संक्रमित मरीज के शरीर में पाया गया है। वहीं भोपाल एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर सरमन सिंह ने बताया कि एम्स भोपाल में पिछले साल अगस्त से नवंबर तक 21 कोरोना संक्रमित मरीजों के शवों का पोस्टमार्टम किया गया, जिसमें सामने आया है कि मृतकों में से 45% के ब्रेन में कोविड-19 संक्रमण पहुंचा था, 90% फेफड़ों में और इसके अलावा किडनी, लीवर, पैनक्रियास को कोरोना ने संक्रमित किया था। वहीं भोपाल में मंत्री विश्वास सारंग ने कोरोना वायरस को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी सौगात दी है, हम सब मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि तीसरी लहर ना आए, लेकिन अगर तीसरी लहर आती है तो उसकी लड़ाई के लिए 24,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। साथ ही हमने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में तीसरी लहर की तैयारी भी पूरी कर ली है। वहीं दूसरी तरफ भोपाल में पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कमलनाथ के नेतृत्व में 2023 का चुनाव लड़ेंगे, हम 150 से 170 सीटें लेकर आएंगे, कमलनाथ मुख्यमंत्री बनेंगे और हम सभी यही चाहते हैं। वहीं पटवारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाइट जाने पर उन्होंने कहा कि ऊर्जा मंत्री लाइनमैन का काम करते हैं। वहीं अगली खबर इंदौर से है, जहां गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर निशाना साधा है। नरोत्तम मिश्रा ने ओबीसी आरक्षण की कमलनाथ की मांग पर कहा है कि कमलनाथ सिर्फ बातें करते रहें, काम करते तो यह हाल नहीं होता, कमलनाथ पहले पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएं, फिर जिलों का दौरा करें। साथ ही गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के लिए भी पूर्व की कमलनाथ सरकार को दोषी ठहराया है। उन्होंने कहा है कि कमलनाथ सरकार में टैक्स बढ़ा था वही अभी तक लागू है। खबर भोपाल से है, जहां अपनी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर चल रही प्रदेश व्यापी नर्सों की हड़ताल अब गहराती जा रही है। बीते दिन नर्सों के साथ नेशनल हेल्थ मिशन यानी कि NHM की नर्सें भी शामिल हुई हैं और हमीदिया अस्पताल के सामने जमकर नारेबाजी की गई। इस बार इनकी संख्या बहुत ज्यादा थी। नर्सों ने आरोप लगाया है कि मंत्री नेता सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकल रहा है। NHM की नर्सें स्थायी नौकरी की मांग पर लगातार अड़ी हुई हैं और ज्यादा नाराजगी इस बात को लेकर है कि हाल में MGM मेडिकल कॉलेज ने 300 से ज्यादा स्टाफ नर्स की पोस्टिंग निकाली थी। उसके नियम ऐसे हैं कि कई नर्सों को मौका ही नहीं मिल रहा है। इसमें 5 साल की संविदा नियुक्त का अनुभव मांगने के साथ ही मेल नर्स को मौका नहीं दिया गया है।
स्टाफ नर्स हूँ हमीदिया हॉस्पिटल में पिछले कई सालों से, और पिछले 10 सालों से जो मध्य प्रदेश सरकार की नर्सेज हैं उनकी मेन दो ही डिमांड है कि उनको सेकंड ग्रेड चाहिए, जो पूरे देश में सारे स्टेट्स में मिल रहा है। पहली प्रमुख डिमांड ये है, और दूसरी प्रमुख डिमांड ये है कि हम लोग को ओल्ड पेंशन सिस्टम जारी किया जाए, जो न्यू पेंशन सिस्टम है उसको रद्द। वही भोपाल के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने राज्यपाल से मुलाकात की, और इसके कमलनाथ ने मीडिया से चर्चा करते हुए ये बताया कि प्रदेश में SC ST वर्ग की जो वर्तमान में स्थिति है उससे राज्यपाल को अवगत कराया गया है। साथ ही अन्य कई मुद्दों पर भी इस दौरान चर्चा भी हुई है, और OBC आरक्षण को लेकर कमलनाथ ने बयान दिया है कि हम लोग चाहते थे कि OBC को 27% आरक्षण मिले, पर वर्तमान सरकार की ये सोच नहीं दिख रही है। वहीं OBC आरक्षण को लेकर कमलनाथ ने कहा कि OBC आरक्षण को लेकर हमने जो कदम उठाया था उसे शिवराज सरकार लागू करे। यह बातें छुपी नहीं है, आज जनता गवाह है कि प्रदेश कहां है और कहां जा रहा है। उन्होंने कहा कि वो 11 दिन अस्पताल में थे, उन्हें निमोनिया हो गया था, लेकिन अब वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं और अब वो आगे जिले का दौरा भी करेंगे। कि हमारे प्रदेश के अनुसूचित जनजाति SC ST कितने असुरक्षित है, कितनी घटनाएं हुई हैं ये देश के इतिहास में नहीं हुई। राज्यपाल जी ने ट्राइबल्स के बीच में समाज सेवा का काम किया है, उनको अनुभव है समाज सेवा का। कि मैंने उनसे निवेदन किया कि आपका प्रयास रहे, आपकी प्राथमिकता रहे कि हमारे SC ST प्रदेश के सुरक्षित रहें। इतनी बड़ी संख्या में SC ST वहीं राजधानी भोपाल में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष अजीत सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी की वजह से स्कूल लगातार बंद है, ऐसे स्थिति में शिक्षा विभाग के द्वारा हाई स्कूल की मान्यता नवीनीकरण के लिए परीक्षण करवाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि वास्तविक सूत्रों से ये जानकारी मिली है कि शासकीय शालाओं में बिना किसी के प्रवेश दिया जा रहा है। प्राइवेट स्कूल के ऐसे अनेक बच्चे जो बिना किसी के प्रवेश देना स्कूल संचालकों के मध्य विवाद की स्थिति बनना है, क्योंकि अधिकांश पालक के द्वारा चालाकी शुल्क जमा नहीं किया गया है। आप लोग बोल रहे हैं कि फीस की जहां तक बात है, तो हम मध्य प्रदेश के 45,000 प्राइवेट स्कूलों की गारंटी लेते हैं कि 45,000 में से अगर एक भी शिकायत मिल जाए कि कोई स्कूल संचालक एक रुपये फीस बढ़ाया है, हम पूरा आपका वापस ले लेंगे। पकड़ रहे हैं MP बोर्ड का कोई स्कूल संचालक एक रुपये फीस नहीं बढ़ाया, हमको तो पिछले साल की 10% भी फीस नहीं मिल पाई, 90% बाकी पर चली है। हम तो पिछले साल की फीस चाह रहे हैं, और हम ये चाहते हैं कि हमारे जो स्कूल है उनको मान्यता का नवीनीकरण बिना किसी सोचे समझे कर दिया जाए, क्योंकि अगर कोरोना काल है, सब बंद है, तो हर जगह कोरोना है। हम लोग 20 साल, 15 साल, 10 साल से स्कूल चला रहे हैं, और निरीक्षण हर साल होता है क्या बिल्डिंग चोटी हो रही है कि स्कूल वाला भग जा रहा है। अगर निरीक्षण हर बार होता है तो कम से कम इस कोरोना में तो निरीक्षण नहीं होना चाहिए। हमारे RT का भुगतान वर्ष 20। वहीं छिंदवाड़ा के कुंजीपुरा पुलिस की टीम ने 3 शिकारियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने पकड़े गए शिकारियों के पास से बाघ की खाल और 2 दांत भी बरामद किए हैं। पुलिस लगातार 3 आरोपियों से पूछताछ कर रही है। वहीं इस मामले में SP विवेक अग्रवाल ने बताया कि बाघ की खाल और दांतों की कीमत अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में लगभग 50 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस लगातार इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो छिंदवाड़ा से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां पर कुंडीपुरा पुलिस की टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, और पुलिस ने 3 शिकारियों को भी गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने पकड़े गए इन शिकारियों के पास से बाघ की खाल और 2 दांत भी बरामद किए हैं। पुलिस लगातार 3 आरोपियों से पूछताछ कर रही है। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस पूरे मामले में SP विवेक अग्रवाल ने बताया है कि बाघ की खाल और दांतों की कीमत अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में लगभग 50 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस लगातार इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। अत्यंत संवेदनशील प्रकरण के संबंध में आप लोगों को आज यहां पर आमंत्रित किया गया है। कल पुलिस को मुखबिर के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ लोग
बाघ की त्वचा टाइगर स्किन के साथ और उसके कुछ अन्य अवशेषों के साथ ट्रेवल कर रहा है और उस पूरी सामग्री को विक्रय करने का प्रयास कर रहे हैं। इस मुखबिर सूचना पर पुलिस सक्रिय हुई। पुलिस ने दो तीन पार्टियां बनाई और उनकी घेराबंदी करने का और उनसे संवाद स्थापित करके उनको अपने गिरफ्त में लेने का प्रयास शुरू किया। और इस पूरे प्रयास के क्रम में कल शाम को पुलिस को उस वक्त सफलता प्राप्त हुई जब तीन आरोपियों के साथ पुलिस को ये टाइगर स्किन, उसके कुछ नाखून, दांत और कुछ हड्डियां इत्यादि जब धार जिले में पुलिस और आबकारी विभाग की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाकर एक पिकअप वाहन से 40 पेटी अवैध शराब और 80 पेटी अवैध बियर बरामद किया है। आपको बता दें कि बरामद की गई अवैध शराब की अनुमानित कीमत लगभग 3,73,000 रुपए ये बताई जा रही है। वही टीम के द्वारा दस्तावेज भी मांगे गए हैं, जिस पर किसी प्रकार के वैध दस्तावेज शराब से संबंधित नहीं पाए गए हैं। हालांकि पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और साथ ही इस पूरे मामले की जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। तो खबर धार से आपको बता रहे हैं, जहां पर पुलिस और आबकारी विभाग की टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको एक बार फिर से बता दें कि पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक अभियान चलाकर पिकअप वाहन से 40 पेटी अवैध शराब और 80 पेटी अवैध बियर को बरामद किया है। बरामद की गई अवैध शराब की कीमत लगभग 3,73,000 रुपए बताई जा रही है। वही टीम के द्वारा दस्तावेज भी मांगे गए हैं, जिस पर किसी प्रकार के वैध दस्तावेज शराब से संबंधित नहीं पाए गए हैं। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और साथ ही साथ पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। 21 को श्रीमान आलोक कुमार सिंह कलेक्टर साहब के निर्देशन में और श्री यशवंत कुमार धनोरा साहब के मार्गदर्शन में सहायक आयुक्त जो है हमारे अवैध शराब के खिलाफ जो मुहिम चलाई जा रही थी, उसके अंतर्गत मुखबिर से अपने को सूचना मिली कि बड़वानी की ओर से एक पिकअप वाहन आ रहा है, जिसे सुशारी टोल टैक्स पर रोका गया और जिसकी विधि पर तलाशी ली गई, जिसमें 40 पेटी प्लेन मदिरा और 80 पेटी माउंट केन बियर की उसमें अपने को बरामद हुई है और जिसकी कुल मात्रा 1320 बल लीटर है और जिसकी अनुमानित शराब की कीमत 3,73,000 के आसपास है। धार जिले के मनावर थाना क्षेत्र में एक ढाबे पर शराब को लेकर विवाद हो गया और देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि युवक ने हवाई फायरिंग कर दी। वह इस घटना के दौरान गोली ढाबा संचालक को लग गई, जिसके बाद ढाबा संचालक गंभीर रूप से घायल हो गया। गोली की आवाज सुनते ही ग्रामीण मौके पर इकट्ठा हो गए, लेकिन तब तक आरोपी गाड़ी छोड़कर फरार हो गया था। वह स्थानीय लोगों ने तत्काल घटना की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है और साथ ही साथ इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में भी पुलिस जुटी हुई है। तो धार से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां पर मनावर थाना क्षेत्र में एक ढाबे पर शराब को लेकर विवाद हो गया था और देखते ही देखते विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि युवक ने हवाई फायरिंग कर दी और इस घटना के दौरान गोली ढाबा संचालक को लग गई, जिसके बाद ढाबा संचालक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं गोली की आवाज सुनते ही ग्रामीण मौके पर इकट्ठा हुए, लेकिन तब तक आरोपी गाड़ी छोड़कर मौके से फरार हो गया था। स्थानीय लोगों ने तत्काल इस पूरे घटना की जानकारी पुलिस टीम को दी, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया है और साथ ही पुलिस लगातार आरोपी की तलाश में भी जुटी हुई है। कल ये ग्राम करोली में नगर फाटा है, वहाँ पर सोनू कुमार एक ढाबा चलाता है, तो करीब 3 बजे के आसपास वहाँ ढाबे पर विनोद जयसवाल नाम का एक व्यक्ति आया और उसने बोला कि मुझे बियर पिला दो, तो बियर चाहिए मुझे जो है। उसने कहा कि बियर में हम लोग बियर वियर नहीं बेचते यहाँ पर, और इसी बात से इनका विवाद हुआ। उस समय वहाँ पर सोनू का जो है रिश्तेदार जीवन पाटीदार वो भी वहाँ पर उपस्थित था और खास सुनी में जो है जो आरोपी है विनोद जयसवाल उसने अपने पास। वही रीवा जिले के नईगढ़ी थाना क्षेत्र में एक 10 वर्षीय बच्चे का शव मिला है। आपको बता दें कि 10 वर्षीय मासूम अनुराग जायसवाल बुधवार को लापता हो गया था, जिसकी सूचना परिजनों ने थाने में भी की। वहीं खोजबीन के दौरान बच्चे का शव मिट्टी के खदान से बरामद हुआ है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और इस पूरे मामले की जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। तो रीवा से खबर है, जहां पर नईगढ़ी
थाना क्षेत्र में एक 10 वर्षीय बच्चे का शव बरामद हुआ है। आपको बता दें कि 10 वर्षीय मासूम अनुराग जायसवाल बुधवार को अपने घर से लापता हो गया था, जिसकी सूचना परिजनों ने थाने में भी की थी। वहीं खोजबीन के दौरान बच्चे का शव मिट्टी के खदान से बरामद हुआ है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और साथ ही साथ पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में भी जुटी हुई है। हाँ, कल एक बच्चा था जो करीब जब उसकी माँ गई हुई थी खेत पर, तो वापस आई जब शाम को 6 बजे, तो बच्चा उनको नहीं मिला। वो बच्चे को नहीं मिलने के कारण माने काफ़ी तलाश किया, तलाश करते करते वो बच्चा जब नहीं मिला, पुलिस को कोई सूचना भी नहीं आई थी। आज सुबह सुबह जब उसकी माँ वहाँ खेत के पास जहाँ वो बच्चे का शव मिला है, वहाँ मुरम खोदी गई है, करीब 30x50 का एक बावड़ी सी बन गई है पानी के गिरने के कारण से, और उसमें करीब 7 फीट के आसपास पानी भर गया है, उसमें बच्चे की। रुक करते अगली खबर की ओर। तो ये खबर रीवा से है, जहां पर एक युवक ने रुपयों के खातिर अपने अपहरण की साजिश रच डाली। दरअसल युवक ने पत्नी के फोन पर अपहरण हो जाने का मैसेज भेजा और साथ ही फिरौती की रकम भी बताई। इसके बाद महिला ने तुरंत इस घटना की जानकारी पुलिस को दी। वहीं पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए 12 घंटे के अंदर ही अपहरण का खुलासा कर दिया। पुलिस ने इस पूरे मामले में जानकारी देते हुए बताया कि इस घटना में चुनिंदा अफसरों की एक टीम बनाई गई और साइबर सेल को फोन की लोकेशन ट्रेस करने को कहा गया। अपहरणकर्ताओं ने जो फिरौती मांगी थी वह रकम छोटी थी, लिहाजा पुलिस समझ गई कि यह अपहरण करने वाला सिरफिरा है। डकैत इतना जोखिम उठाकर 25,000 रुपए नहीं मांगते। इसी बीच राजा राम ने जिस फोन से मैसेज किया वह चालू हो गया और उसकी लोकेशन सतना रेलवे स्टेशन पर मिली। पुलिस ने राजा राम को स्टेशन से पकड़कर अपहरण की कहानी का पर्दाफाश कर दिया। ये कल जवा थाने को करीब 8 बजे के बाद सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति है राजा राम पटेल, उम्र 35 साल है, रहने वाले खमरिया गांव का है जो पनवार थाना क्षेत्र में लगता है। और ये कल जानकारी मिली थी, कल सुबह 10 बजे से घर से निकला हुआ था, घर वालों का कहना था कि साथ कुछ पैसे लिए हुए हैं और घर से गया हुआ है। बाद में करीब अपहरण के मोबाइल से एक जो जिसके बारे में बताया जा रहा था, सूचना मुझे मिली कि उसका एक मैसेज आया उसकी पत्नी के मोबाइल पे कि 25,000 रुपये दो, उसके बाद फिर आपके बंदे को आप तक। वहीं सिलवानी तहसील के एक गाँव में पुल निर्माण हुआ, लेकिन वहाँ पर रेलिंग का निर्माण नहीं कराया गया, जिसकी वजह से आए दिन यहां गायों की मृत्यु हो जाती है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने कई जगहों पर इस मामले की शिकायत भी की, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने 181 पर भी फोन लगाए, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं मिला। अभी 8 दिनों के अंदर 4 से 5 गाय पुल से गिर गई, जिससे कि गायों की मौत हो गई। आपको बता दें कि पुल का निर्माण 1 साल पहले हुआ था। 1 साल के अंदर ही पुल 1 फीट नीचे बैठ गया। ठेकेदारों की मनमानी के चलते आए दिन बड़े हादसे होते रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रशासन भी मौन बैठा हुआ है। खबर सतना से है, जहां वेयरहाउस में गंदगी फैलने से हजारों जाने खतरे में पड़ गई हैं। जिलाध्यक्ष गोरेलाल प्रजापति ने जारी बयान में बताया कि चोरहटा सर्किल क्षेत्र में बने वेयरहाउस कैंप में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। इससे लोगों में बीमारियों का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। साथ ही प्रजापति ने कहा कि इस गंभीर समस्या की जांच भी की जाएगी और साथ ही इसका जो भी जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। तो सतना से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां पर वेयर हाउस में गंदगी फैलने से हजारों जाने अब खतरे में पड़ गई है। साथ ही साथ जिलाध्यक्ष गोरेलाल प्रजापति ने एक बयान में कहा है कि चोरहटा सर्किल क्षेत्र में बने वेयर हाउस कैंप में गंदगी का अंबार लगा हुआ है और इससे लोगों में बीमारियों का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। साथ ही प्रजापति ने कहा कि इस गंभीर समस्या की जांच की जाएगी और साथ ही इसका जो भी जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। फिलहाल के बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।